क्या नाम है आपका? नुमान। अच्छा नुमान, आप कौन से डिपार्टमेंट के? माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी इंटेलिजेंस भी लगते हैं स्टडी के हिसाब से। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया और टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, क्या कहेंगे आप उस पर कि किसका इसमें कसूर है? बीइंग अ स्टूडेंट इट्स वेरी शेमफुल फॉर मी। ये एक्ट ऐसा है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या स्टूडेंट्स पे और टीचर्स पे इसकी गुजरी है, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन होता है। ज़ाहिर बात है कि इदारा है, उसमें दोनों चीज़ें ही इन्वॉल्व हैं, मैनेजमेंट, स्टूडेंट और जितने भी टीचर्स हैं सारे हैं। आप क्या समझते हैं इसमें किसका कसूर है और ये नौबत कैसे आई? असल में कसूर दोनों तरफ का है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बात करूँ कि आपको मुझे इससे कुछ चाहिए, तो आप अगर मुझे जब तक नहीं इशारा करोगे तो मैं आपके तरफ नहीं आ सकता। बात है, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है, और मतलब आप अगर किसी तरह देखें कि यूनिवर्सिटीज़ में एक ट्रेंड सा ये चला हुआ है कि आप ओपियम या कोई और ड्रग दे के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ लाते हैं और फिर उनसे अपने मतलब का काम लेते हैं। अच्छा आप क्या, ज़ाहरी बात है क्योंकि ये एक बताया जा रहा है कि उन्होंने एक नंबर्स और डिग्री और जो टॉप पे आने के लिए कहते थे कि आप पास करेंगे, इतने नंबर लगा देंगे, आप ये करें, तो ज़ाहरी बात है इसमें दोनों का ही कसूर है। और सोशल मीडिया पे जो डाला जा रहा है कि मैनेजमेंट ही और इसी तरह, कितनी देर तक ये चलता रहेगा, इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा, आप क्या समझते हैं? ये तो अब हमारे जुडिशल सिस्टम पर है कि वो इस पर जल्द अज़ जल्द एक्शन लें ताकि इस ऐसे मामलों से हमें दूर रहा जाए। पिछले दिनों कौमी असम्बली में इस पर बहस भी हुई थी कि ये सेमेस्टर सिस्टम में जिसमें टीचर्स के पास इख्तियारात होते हैं, क्या आप उन्हें नंबर दिए जाते हैं या उनकी डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट की तरफ इख्तियारात होते हैं, तो इससे बचने के लिए ये है कि और टीचर्स का पेपर लें, मतलब जिस टीचर का सब्जेक्ट है वो टीचर पेपर ना ले, उसकी बजाय कि और टीचर पेपर ले जिस जो रैंडम हो, जैसे बोर्ड्स में होता है या आप देखें एफिलेटेड कॉलेजेस में होता है कि वहाँ रैंडम टीचर होते, तो वो इतना टीचर फिर या मैनेजमेंट स्टूडेंट का फ़ायदा नहीं उठा सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हाफिज़ बाबर रेहान। अच्छा हाफिज़ बाबर रेहान, आप कौन से डिपार्टमेंट? हम लॉ डिपार्टमेंट से। अच्छा लॉ डिपार्टमेंट से, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो स्कैंडल सामने आया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, तो इसमें बड़ा ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पर, आप इसको किस नज़र से देखें? बेसिकली काली भेड़ें हर अदारे में मौजूद होती हैं, ये कुछ लोग होते हैं जो अदारों को बदनामी का सबब बनते हैं। ऐसे स्कैंडल्स बाद उकात मदारस में भी आते हैं, मस्जिदों में भी आते हैं, ये लोग हर इदारे में इस तरह होता है। हर अदारे में इस तरह का होता है, ये स्कैंडल अमूमन आते ही रहते हैं, लेकिन इसको जितनी हाइप इसकी क्रिएट की कर दी गई है, जितना इसको हाइप बनाकर और एक सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी बरपा कर दिया गया है, बेसिकली इसके पीछे कुछ सियासी लोग हैं, कुछ सियासी मकासद हैं। जैसे वो एक सियासी रहनुमा का बेटा इसमें इन्वॉल्व है, और कुछ लोग होते हैं जो अदारों में बदनामी का सबब बनते हैं। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेसिकली जो वुमेंस एम्पावरमेंट है ना मुआशरे में, उसको ख़त्म करने वाले लोग हैं, लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ लोग हैं। बेसिकली अदारों में भी कुछ गलतियां होती हैं जिसकी आप क्या समझते हैं इसमें कसूर किसका है? जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी की, उसको वो एक कामयाब तरीके से ब्लैकमेलिंग करके इनको उन्होंने फंसाया, या इसमें जो इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट उनकी भी गलती? नहीं नहीं, इसमें सभी की गलती शामिल है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अदारा भी, उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अदारे में आते ही इसलिए हैं कि अपने मकासद हासिल करें, इसलिए ये स्टूडेंट्स को भी चाहिए और अदारों को भी चाहिए कि अपनी जो ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी जो वाली है वो उसको अच्छे तरीके से निभाए। उसके बाद अगर ऐसी कोई बात हो भी जाती है तो उसको एक मैनेज करने का तरीका होता है, ये तो नहीं होता कि आप सभी अदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें और जो लड़कियों की तालीम है उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें। वालिदैन तो पहले ही लड़कियों की तालीम दिलाने के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान में जो औरतों इलिटरेसी रेट है वो पहले बहुत ज़्यादा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत करते हैं उन क्या समझते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, इसमें मैनेजमेंट स्टूडेंट्स किस तरह, ये सारा मामला तो क्या? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में सब कुछ हो गया, यहाँ भी कुछ ऐसे सीन्स हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड पर है और ये बाकी अदारों की नस्बत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर तालीम का जो मैार है वो भी बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी है, और जो इंतज़ामिया है उसका भी बड़ा सख्त रोल है यहाँ पर। इस वजह से ऐसा कोई स्कैंडल इंशाल्लाह आपको देखने को नहीं मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद स्नैन। अच्छा स्नैन, कौन से डिपार्टमेंट? डोम्स। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो गुज़श्ता दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ये जो स्कैंडल सामने आया है, तो आप क्या देखते हैं
ये स्टूडेंट की तरफ से ब्लैकमेलिंग होती है और सिर्फ नंबरों के चक्कर में इस तरह ब्लैकमेलिंग के अंदर आ जाना, तमाम यूनिवर्सिटी में यही हाल है या आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं उनको इस तरह आप देखते हैं कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो जो होते हैं ये स्कैंडल्स, ये थोड़ा सा गर्ल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब ये गलत काम से बचें, ठीक है। सबसे पहले होते ही ये गर्ल्स की तरफ से है, क्योंकि अगर गर्ल्स एग्री हैं इस बात पे तो वो इस तरह का सिस्टम बनेगा, अगर नहीं है तो फिर वो सबको ठीक रहेगा, क्योंकि सब इंसान की इज्जत अपने उसके अपने हाथ में होती है। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का मामला सामने है कि सिर्फ के नंबरों की वजह से वो ब्लैकमेलिंग में आ जाती हैं लड़कियाँ, और उसके बाद फिर जब एक इदारा बदनाम होता है तो ये कहा जाता है कि ना कि इस इदारे की गलती, ये इस इदारे में रहने वाले, ये इस इदारे को चलाने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे ही है, क्योंकि ब्लैकमेल अगर मैनेजमेंट करेगी तो ज़ाहिर बात है लड़कियां उसकी जो बातों में उनकी बातों में आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर ये गर्ल्स अपने आप को ठीक रखेंगी, ठीक है, इस बात पे मतलब एग्री नहीं करेंगी, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगी, तो बेसिकली मतलब ये आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में कौन कौन से मसाइल हैं, या आपको लगता है कि ब्लैकमेलिंग यहाँ पर भी? नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मैनेजमेंट कमज़ोर है, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे अगर ठीक हो जाएगी तो सिस्टम सही। आप क्या समझते हैं कि मैनेजमेंट कमज़ोर है, क्या कमज़ोरी होने की वजह से ये स्टूडेंट को नहीं चला सकते मैनेजमेंट? ज़ाहिर बात यही मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगर मैनेजमेंट ठीक रहेगी, मतलब ये इनकी जो जैसे आउटसाइडर आ जाते हैं अंदर, ये लड़ाइयाँ होती हैं, ये झगड़े होते हैं, ये सब आउटसाइडर, ये मैनेजमेंट की कमज़ोरी की वजह से होते हैं, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ठीक है तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आके पर भी मारे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? जीशान अली मेरा नाम। अच्छा जीशान, कौन से डिपार्टमेंट? मैं सर लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो स्कैंडल सामने आया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का और पूरा सोशल मीडिया पे इसका ट्रेंड है जी, तो आप क्या इसको समझते हैं, ये हकीकत है हकीकत नहीं है, क्या इसके बारे में आप समझते हैं कि ये किसकी गलती? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ बाज़ अनासर होते हैं जो कि ब्लैकमेलिंग करते हैं स्टूडेंट्स को। फीमेल स्टूडेंट्स को भी ब्लैकमेल किया जाता है, मेल स्टूडेंट्स को भी ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये उनकी हक तलफी होती है। सारी बात है, ये नंबरों की वजह से इस तरह किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल ये हिसाब है या बाज़ का कुछ ऐसे अनासर है? जी फिलहाल मैंने तो ये नहीं देखा, लेकिन जो है ना फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बाकी दूसरा मुझे पता नहीं है, करते होंगे ये शायद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। और बाकी आप क्या समझते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी ऐसी मतलब मुश्किलात हैं या सिर्फ चीज़ें हैं जो इनको उनको सही होना चाहिए? हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ना फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं थोड़े से, वो अगर बेहतर हो जाएं तो हमारी यूनिवर्सिटी इस इलाके की पूरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन जाएगी और हमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। थोड़े से मसाइल हैं वो अगर दूर हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो बेहतर हो सकते हैं हमारे हालात। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है अब्दुल असीफ। अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट? मैं आईआर डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो गुज़स्ता दिनों स्कैंडल बना है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, आप उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये जो ब्लैकमेलिंग की गई है लड़कियों को की गई है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में इसका एक ट्रेंड बनाया गया, तो क्या आप समझते हैं? देखिए, मैं इस पर ना यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप भी जानते होंगे कि जहाँ अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी मौजूद होते हैं, और ये कुछ जो बुरे लोग होते हैं ना, जैसे कि वो आपने कहावत सुनी होगी, एक मछली जो है पूरे जाल को गंदा करती है। तो जहाँ तक मैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 4th semester भी कंप्लीट होने जा रहा है, तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी मैंने वो सीन नहीं देखा। वो कुछ होंगी सिटीज़ में होंगी यूनिवर्सिटी, वो जो होते हैं ना घटिया सोच वाले, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच रखते हैं, वो बाकी जो है ना सिस्टम बाकी को भी ख़राब कर रहे हैं। बस इसके वाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो उनका जो है ना अपना एक सिस्टम होता है, वो नेगेटिव। आप क्या समझते हैं कि आए रोज़ अगर इस तरह के स्कैंडल बनते रहेंगे, स्टूडेंट को भी एक निशाना बनाते रहेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह ये इंतज़ामिया की तरफ से गलती किसकी आप समझते हैं? यार देखना, पहले तो बात ये है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनकी हमेशा किसी भी जगह पे किसी भी काम में हमेशा उनकी सोच नेगेटिव ही होगी, और स्टूडेंट को भी, जो स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो अपनी पहले स्टडी को फोकस करे और स्टडी अपनी कंप्लीट करे, बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ होती हैं, उनमें हिस्सा ना लें। क्या नाम है? ताहिर नज़ीर। अच्छा ताहिर, कौन से डिपार्टमेंट? मैं डोम्स से हूँ।
अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो गुज़श्ता दिनों स्कैंडल सामने आया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल जो जितनी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका यही हाल है, या किसी एक शोबे या किसी ऐसा तबके की वजह से ये सारा बदनाम होते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ओवरऑल तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर मैंने अगर सुना भी होगा तो बहुत कम ये स्कैंडल सुना है, यानी कि पिछले 4 साल मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ना होने के बराबर ही कोई ऐसा सीन हुआ है। तो कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ऐसा सीन हो रहा है, जहाँ पे टीचर्स की तरफ से भी यानी कि कुछ इस तरह कोताही हो जाती है, फिर स्टूडेंट्स की तरफ से भी हो जाती है, तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल सीन है, ये सिर्फ यानी कि कुछ आपको सिटीज़ की कुछ सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही ऐसा हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो स्कैंडल सामने आया है इसमें किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? इंतजामिया उसमें शामिल है जो ब्लैकमेलिंग करने वाले थे, या स्टूडेंट की अपनी गलती? देखें, टीचर तो आखिर में आएगा ना, सबसे पहले तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, या जो स्टूडेंट होता है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पहले स्टडी को कंप्लीट रखे, क्योंकि कोई भी रीज़न होगा तो आखिर में आके स्टडी की बेस पे ही होगा ना, कुछ भी ऐसा सीन होगा तो आप पहले ये नहीं कि अपनी स्टडी कंप्लीट रखें, आप अपने मार्क्स को कंप्लीट रखें, तो आपको कोई ऐसी नौबत ही ना आए कि आप इस पॉइंट पर जाके आपको ऐसा कुछ करना पड़े। अच्छा, ला के डिपार्टमेंट है आप? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला स्कैंडल सामने आया, सोशल मीडिया पर बड़ी वो ट्रेंडिंग है, तो आप क्या समझते हैं इसमें किसका कसूर है, इदारों का है, स्टूडेंट का है, या जो इस इदारों को चला रहे हैं उनका? ये बहुत बड़ा सानिया है मेरे नज़दीक, तो इधर अदारे के जो मैनेजमेंट है उनके ही गुनाह है जी, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो उन्हें उस मैनेजमेंट को कंट्रोल रखना चाहिए था। स्टूडेंट इधर यूनिवर्सिटी उकाड़ा में आप आएँ, आप देख लें, माहौल चेक करें, इधर के जो वाइस चांसलर साहब हैं उनका बड़ा डिसिप्लिन है, उधर के वाइस चांसलर को मैं क्लेम करूंगा, उनका अगर मैनेजमेंट ठीक होती तो ये कभी ना होता। ठीक है, बाकी आप ओवरऑल आप देखें तो मतलब टोटल जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है इदारों के अंदर, जो जो भी स्टूडेंट ख़ास तौर पर फीमेल जो ये स्टडी तालीम हासिल कर रहे होते हैं घर से बाहर निकल के, तो उनको बड़ी मसले मसाइल का सामना होता है, तो आप क्या समझते हैं इसके बाद भी अगर इदारों में इस तरह होता रहेगा तो कितनी देर ये चलता रहेगा, ये किस तरह से? ये बड़ा नुकसान होगा जिससे फैमिलीज के जो हैं मेंबर पेरेंट्स वो अपनी फीमेल बेटीज़ को पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे जो कि होनी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, और ये मैनेजमेंट को इसका संभालना चाहिए। आप अभी देख रहे हैं, अभी हम इधर खड़े हैं तो कितनी मैनेजमेंट हमारे जो हैं सिक्योरिटी इंचार्ज वो 3 चक्कर इधर लगाई खड़े हैं, तो ये मैनेज करने से होता है, उधर मैनेज नहीं किया उन्होंने, वाइस चांसलर साहब का मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा गुनाह है।